हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी ये जो नॉवेल है गोदान, ये जो भारत के किसान हैं उनकी स्थिति को बखूबी दिखाती है। आज भी इतना परिवर्तन नहीं हुआ है जो स्थिति है हमारे किसानों की, और इसलिए अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे कि जो एग्रीकल्चर है या जो क्रॉप्स हैं अगर वो इफ़ेक्ट हो रही है, मान लीजिए ज़्यादा बारिश हो गई या मान लीजिए कोई नया कीड़ा आ गया, तो उस वजह से जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। तो ये हाल ही में ये पता चला है कि ये जो कीड़ा है जिसे हम कहते हैं फॉल आर्मी वॉर्म, ये जो कीड़ा है इसका प्रेजेंस इंडिया में भी अब इंक्रीज़ हो गया है, और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। कि अगर हम इस कीड़े की बात करते हैं तो मेनली जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से ये आया है। मेनली अगर आप देखें जो अमेरिका है वहाँ भी ये जो वॉर्म है, जो ये फॉल आर्मी वॉर्म है, ये प्रेजेंट था। ये जो कीड़ा है ये जो क्रॉप्स है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है, इस वजह से जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होगी। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। सो इस लेक्चर में आज हम चर्चा करेंगे फॉल आर्मी वॉर्म के बारे में। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, माय आईडी सौरभ पांडे 009। इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस अवेलेबल हैं इन सारे ही एग्जाम्स के लिए। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, यूपीएससी हो गया, आरबीआई एग्जाम्स हो गए, स्टेट पीएससी कोर्सेस हो गए, यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज हो गए, रेलवे कोर्सेज हो गए, टीचिंग एग्जाम कोर्सेज हो गए। ये सारे कोर्सेज प्रिपेयर्ड हैं इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हमारी सेल चल रही है जो कि चलेगी 16th of August तक, इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर studyiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। देखिए, जो फॉल आर्मी वॉर्म है ये इस तरीके का दिखता है। देखिए, अगर हम देखें कि ये कितने लेवल तक का डैमेज कर सकता है, तो ये जो क्रॉप्स हैं इनकी लीव्स को ये कंज्यूम करेगा, दूसरे भी जो प्लांट्स के पार्ट हैं उनको भी कंज्यूम करेगा। तो इस वजह से जो क्रॉप्स हैं वो पूरे तरीके से डैमेज और डिस्ट्रॉय होती हैं, और जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होगी। अगर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी तो जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स की जो लाइफ है वो भी अफेक्ट होगी, क्योंकि फार्मर्स की लाइफ और लाइवलीवुड मेनली इन क्रॉप्स पर और मेनली इन प्लांट्स पर डिपेंडेंट होती है। इसलिए अगर ये इंसेक्ट इंडिया में पाया जा रहा है तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है इंडियन अथॉरिटी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। देखिए, अगर हम फॉल आर्मी वॉर्म की बात करें तो इसे स्पोडोपेट्रा फ्रूजी पैराडा भी कहते हैं। ये एक इंसेक्ट है जो कि नेटिव है किसका, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अमेरिकस, मतलब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में भी पाया जाता है, लेकिन इसका प्रेजेंस जो है इंडिया में भी नोटिस किया जा रहा है। तो अपने लार्वा स्टेज में होता है, जैसे पहले एग होगा, फिर लार्वा होगा, फिर इंसेक्ट बनेगा, है ना। जब ये लार्वा स्टेज में होता है तो ये जो क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग है, एग से फिर लार्वा स्टेज, फिर जो है एडल्ट स्टेज तक जाएगा इंसेक्ट। तो लार्वा से एडल्ट स्टेज तक जब जाएगा तो इसको क्या है, इसको क्या है, काफ़ी सारा फूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस प्लांट में प्रेजेंट होता है वो उसको कंज्यूम करता है, इस वजह से जो प्लांट है या जो क्रॉप है उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। देखिए, मेनली जो इंसेक्ट है मेज जो क्रॉप है उसको प्रीफर करता है, लेकिन दूसरी जो क्रॉप्स हैं, राइस है, सरगम है, या मिलेट है, शुगर केन है, या वेजिटेबल क्रॉप्स है, या कॉटन है, इनको भी ये प्रीफर करता है। मेज को तो ये अटैक करता ही है, साथ में ये जो दूसरी क्रॉप्स हैं इन पर भी अटैक करता है। देखिए, अफ्रीका की बात करें तो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में ये अर्ली 2016 में डिटेक्ट हुआ था। तो पहले अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में तो ये जो इंसेक्ट था ये पहले से प्रेजेंट था, लेकिन अफ्रीका में 2016 में इसका प्रेजेंस नोटिस किया गया, और अभी जो है इसका प्रेजेंस इंडिया में नोटिस किया गया है। स्प्रेड होने की अगर रीज़न की बात करें, पहली चीज़ तो ये है कि जो ये इंसेक्ट है इसकी जो फ्लाइंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये एक रीजन से दूसरी रीजन तक इजीली ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा क्या है, ट्रेड की वजह से। मान लीजिए कि अमेरिका से इंडिया का ट्रेड है तो बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ भी इंडिया इम्पोर्ट करता है अमेरिका से या अफ्रीका से, और बहुत सारे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो ट्रेड होता है, तो इस ट्रेड की वजह से कई बार क्या होता है कि ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर लिया जाता है जिसमें मान लीजिए कोई एग है या लार्वा है इस इंसेक्ट के, उस वजह से जो है ये इंडिया में भी रीच कर सकते हैं। हाल ही में जुलाई 30 को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने जो है वार्निंग इशू की इस पेस्ट की, और सब कॉन्टिनेंट में इस इंसेक्ट के प्रेजेंस की कंफर्मेशन भी
की है। देखिए 70% ऑफ मेज क्रॉप इन चिक्काबल्लपुर, ये जो सदर्न कर्नाटका स्टेट में जो एरिया है, यहाँ पे 70% जो मेज क्रॉप है वहाँ पे ये डिटेक्ट हुआ है। और साथ में ही तमिलनाडु और तेलंगाना जो कि पास में ही स्टेट है, वहाँ भी ये जो इंसेक्ट है ये स्प्रेड हो गया है। जैसे जो ICAR है और दूसरे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये वार्निंग इशू की है, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री भी स्प्रेड हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत ही प्रोएक्टिव स्टेप लेने की ज़रूरत है। देखिए ये एक मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी ये इंडिया में प्रेजेंट है, और फिर ये भी हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरी जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ भी ये स्प्रेड होगा। अगर ये अलग अलग कंट्रीज़ में स्प्रेड होगा और इंडिया में स्प्रेड होगा तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो वर्ल्ड की जो फूड सिक्योरिटी है उसको अफेक्ट कर सकता है। अगर आप देखें तो ये जो इंसेक्ट है, ये जो पेस्ट है, ये अफेक्ट कर सकता है मोर देन 100 डिफरेंट क्रॉप्स एज वेजिटेबल्स, राइस एंड शुगर केन। देखिए फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी में जो दो कंपोनेंट होते हैं, पहली चीज़ तो है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड और इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। फिजिकल एक्सेसिबिलिटी मतलब जो फूड को आप एक्सेस कर सकें, है ना। मान लीजिए कि हमें अगर राइस चाहिए या मान लीजिए हमें सीरियल्स चाहिए, कोई दूसरा फूड ग्रेन्स चाहिए, तो वो फिजिकली एक्सेस हो तो उसे हम कहेंगे फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी, इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी का मतलब हमारे पास वो जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी होनी चाहिए उस फूड आइटम को खरीद सकें। तो अगर ये जो पेस्ट है, या फिर आप कहें जो ये इंसेक्ट है, अगर ये स्प्रेड होगा और जो क्रॉप्स हैं, बहुत सारी ऐसी फूड क्रॉप्स हैं, अगर उसको ये डैमेज करता है तो इस वजह से जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी। अगर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी तो अगेन जो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी है फूड की वो भी रिड्यूस होगी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी है वो भी अफेक्ट हो सकती है। देखिए ICAR के द्वारा जो ये वार्निंग इशू की गई है, इस वार्निंग को हम पूरे तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अफ्रीका में भी बहुत ही कम टाइम में इस पेस्ट ने या इस इंसेक्ट ने पूरे कॉन्टिनेंट को अफेक्ट कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये जो पेस्ट है, ये जो इंसेक्ट है, सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में नोटिस किया गया था 2016 में। आज लगभग 2.5 ईयर्स में ये 44 अफ्रीकन कंट्रीज तक पहुंच गया है। अगर ये कर्नाटका में प्रेजेंट है तो अगेन जो आसपास की स्टेट है, तमिलनाडु में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तेलंगाना है या आंध्र प्रदेश है या दूसरे जो स्टेट है इंडिया के, वहाँ भी ये स्प्रेड हो सकता है और वहाँ की जो क्रॉप्स है उनको डैमेज करेगा। भले हम ये कहें कि जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है इंडिया में वो इंक्रीज हो रहा है, लगभग 30% के आसपास जो है हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी 70% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो अभी भी रूरल एरिया में रह रही है और मेनली जो है फार्मिंग में डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है जिस वजह से जो है क्रॉप इफेक्ट हो रही, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी, तो जो हमारी 70% पॉपुलेशन है उसका लाइवलीवुड इफेक्ट होगा। अगर ऐसा होता है तो इस वजह से जो पॉलिटिकल रिपरकशन है वो भी हो सकता है, क्योंकि अगर इतने सारे जो लोग हैं अगर उनका लाइवलीवुड लॉस होता है तो ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन सकता है, एक सोशल क्योस भी समाज में क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम इस इंसेक्ट के प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकता। देखिए कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में लगभग 20% जो कंट्री का मेज प्रोडक्शन है वो कर्नाटका में होता है। मेनली जो इंसेक्ट है मेज जो क्रॉप है उसको टारगेट करता है, तो अगर कर्नाटका में इंसेक्ट प्रेजेंट है तो जो मेज प्रोडक्शन है कंट्री का वो अफेक्ट हो सकता है, प्रोडक्टिविटी जो है मेज की वो रिड्यूस हो सकती है। देखिए ये रोकना बहुत मुश्किल है कि ये जो इंसेक्ट है, ये जो पेस्ट है, ये कर्नाटका, तमिलनाडु या तेलंगाना से इंडिया के दूसरे स्टेट में जो है स्प्रेड ना हो, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी इतना डेवलप्ड नहीं है। देखिए एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं क्वारंटाइन, ठीक है। क्वारंटाइन का मतलब ये हुआ कि एक तो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मानिए कि दूसरी कंट्री से अगर कोई भी एग्रीकल्चर कम्युनिटी आती है, प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है, ये पता किया जाता है कि कोई डिजीज तो नहीं है इस एग्रीकल्चर कम्युनिटी में। डोमेस्टिक क्वारंटाइन भी होता है, इसका मतलब क्या है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई एग्रीकल्चर कम्युनिटी ट्रांसफर की जाती है या ट्रांसपोर्ट की जाती है तो डोमेस्टिक क्वारंटाइन के थ्रू भी ये चेक किया जाता है कि कोई डिजीज तो इस स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन इससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी हमारी कंट्री में वो इतना डेवलप्ड नहीं है, इसलिए काफी पॉसिबिलिटी है कि कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना से दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए अगर हम देखें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो इंसेक्ट है, ये पेस्ट है, कैसे पहुंचा, तो अगेन जो ह्यूमन एडेड ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू ये इंडिया में पहुंचा। जैसे हमने अभी रेगुलेटरी सिस्टम की बात की जिसे हम कहते हैं क्वारंटाइन, मतलब कि कोई भी अगर एग्रीकल्चर कम्युनिटी दूसरी कंट्री से आ रही है तो उसको प्रॉपर उसका इंस्पेक्शन करना है ना। एग्रीकल्चर कम्युनिटी है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं साउथ अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका से, क्योंकि हमारा रेगुलेटरी जो सिस्टम है, जो क्वारंटाइन सिस्टम है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ जो लूपहोल रह गया इंडिया में भी ट्रांसफर हो गया।
जादू, जो माइग्रेशन की जो एबिलिटी है इस इंसेक्ट की बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहा जा रहा है कि विंड के सहारे नेचुरली ही ये इंडिया में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको एक प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए, जिससे कि दूसरी कंट्रीज़ में भी ये जो इंसेक्ट है, ये जो पेस्ट है, ये स्प्रेड ना हो, क्योंकि सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो रिक्वायर्ड है इस इंसेक्ट को ग्रो करने के लिए वो भी बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल है। साथ में जो मेज प्रोडक्शन भी कई सारी कंट्रीज़ में हो रहा है, तो ईजिली जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये जो इंसेक्ट है ये ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए, इस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कई सारे ऐसे केमिकल्स भी यूज़ होते हैं जिसे हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड। जैसे ये है एक लैम्डा साइहैलोथ्रीन, फिर है ये मुस्तांग मैक्स, फिर आपके पास जो है ये कार्बेराइल है, फिर आपके पास जो है ये दूसरा ऑप्शन है कार्बेराइल इंसेक्टिसाइड 7SL। ये भी अलग अलग इंसेक्टिसाइड है जिनको यूज़ किया जा सकता है फार्मर्स के द्वारा। देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अगेन एक एजेंसी है अंडर यूनाइटेड नेशन, तो इसने भी कई सारे ऐसे रिकमेंडेशंस दिए हैं, है ना, जिससे कि इस इंसेक्ट को स्प्रेड होने से रोका जा सके, इस पेस्ट को स्प्रेड होने से रोका जा सके। पहले तो ये चीज़ बोली गई है कि जो पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड का मतलब जो ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो इंसेक्ट या आप मानिए जो ये पेस्ट है इनको मारने के लिए जो यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिकमेंड किया कि एक जुडिशियस यूज़ होना चाहिए पेस्टिसाइड्स का, क्योंकि जब पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इससे क्या होता है कि जो पेस्ट है या जो इंसेक्ट है इनकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये जो पेस्ट है इंसेक्ट है इनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है इन केमिकल्स के खिलाफ, और पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल की भी बात की गई है या बायोपेस्टिसाइड्स की भी बात की गई। देखिए, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ अदर डिजीज़, क्योंकि एक बैक्टीरिया या फंजाई दूसरे बैक्टीरिया या फंजाई को किल कर सकता है। नेक्स्ट बोला है अर्ली वार्निंग प्रोग्राम, मतलब कि जब ये पॉसिबिलिटी दिखती है ये इंसेक्ट स्प्रेड हो सकता है तो पहले से ही वार्निंग जो है फार्मर्स को दी जाए, जिससे कि फार्मर्स भी प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सके। इसके अलावा भी जो रिकमेंड किया गया है वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल है, ये बायोपेस्टिसाइड का यूज़ करके फिजिकल मेथड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं ना, फार्मेरिया जो है उनमें थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं उसको करके कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है इसके तहत हम अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके जो पेस्ट है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ केमिकल का यूज़ करेंगे तो वो भी सॉइल के लिए अच्छा नहीं है, जो प्लांट्स है जो आसपास का जो इकोसिस्टम है जो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए भी इतना अच्छा नहीं है। ये कहा जाता है कि कंबाइंड मेथड को यूज़ किया जाए जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का यूज़ करके ये जो फॉल आर्मीवॉर्म है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और जो गवर्नमेंट है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो रिसर्च सेंटर्स हैं, उनको भी सामने आना चाहिए और एक प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि इसके स्प्रेड को रोका जा सके। सो आज हमने डिस्कस किया फॉल आर्मी वॉर्म के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।